ये कपड़े प्रेस करने हैं क्या? नहीं, प्रेस किए हुए। एक्चुअली कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन है, इसलिए। ऑल द बेस्ट कैप्टन, गुड नाइट। आप कहाँ जा रही हैं? आपकी भाभियों के पास, गेस्ट रूम में। लेकिन मैंने अम्मा से कहा तो था कि आप अपने रूम में सोएंगे। समर जी, बेहतर होगा कि आप इस मामले में कुछ ना कहें। अगर आपने अपनी बात रखी हो तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, और आपको कहना चाहिए था ना कि वो सामान हटाने के लिए मैंने आपको कहा था, और अगर किसी की गलती थी तो वो सिर्फ मेरी थी। समर जी, अब जो कुछ भी होगा उसमें आपको और हमें दोनों को जोड़ के देखा जाएगा। कोई भी गलती किसी एक की नहीं होगी, क्योंकि पूरे परिवार के सामने हम दोनों पति पत्नी हैं। समर जी, अब जो कुछ भी होगा उसमें आपको और हमें दोनों को जोड़ के देखा जाएगा। कोई भी गलती किसी एक की नहीं होगी, क्योंकि पूरे परिवार के सामने हम दोनों पति पत्नी हैं। और देखिए ना समर जी, तीजा पीवी जी को कितना बुरा लगा होगा। अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो उन्हें भी उतना ही बुरा लगता। हमें समझना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था। फिर भी मुझे अम्मा का बर्ताव ठीक नहीं लगा। अगर आपको ठीक भी नहीं लगा तो भी आपको ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। समर जी, वो आपकी माँ है, और सासू माँ ने जो हमें सजा दी है वो बेबुनियाद नहीं है। तीजा बीबी जी को हमने हर्ट किया है। तो ठीक है, मैं अभी जाके अम्मा और तीजा से बात करता हूं। नहीं समझ गई, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। सासू माँ और हमारा जो भी रिश्ता है, डर होगा कि आप उसके बीच में कुछ ना बोले। और जो भी हमें सजा मिली है उसके पीछे ठोस वजह है, और सासू माँ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है हर एंगल से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी साइड ले रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, तो आप ये मत भूलिएगा कि ये सिर्फ 58 दिन और चलने वाला ड्रामा है। लेकिन अगर आपने ये बेवजह की पनिशमेंट एक्सेप्ट की और गेस्ट रूम में, तो आज के बाद मैं आप और अम्मा के बीच में क्या, आपके और किसी और के बीच में भी कुछ नहीं बोलूंगा। हालांकि मुझे आपके मामले में कुछ बोलने का हक नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि जो भी दिन आपके यहाँ पे बचे हों उसमें मैं आपसे कुछ ना बोलूंगा, नहीं कहूंगा। कैसे धर्म संकट में आपने हमें डाल दिया। अगर हम सासू माँ की बात मानते हैं तो आपको लगेगा कि हम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और अगर आपकी बात मानेंगे तो सासू माँ को अपमान महसूस होगा। हे भगवान, हम करें तो क्या करें। अरे ये क्या बना रही हैं? लाइए हम बना देते। हटिए। तुम्हें पता नहीं है इस घर में जब भी प्रसाद बनता है हम अपने हाथों से ही बनाते हैं। हाँ, लेकिन किस बात का प्रसाद अम्मा? यही तो दिक्कत है आजकल की पीढ़ी की, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। आज शरद पूर्णिमा है, और इतनी बड़ी बात न हमारे बहुओं को याद रही और न हमारी बेटियों को। सब अपने धुन में मगन है।
तुम देव के कमरे में व्यवस्थित हो गई? कहाँ अम्मा, सारा सामान ठीक से नहीं हट रहा था, तो थोड़ा सामान गेस्ट रूम में रखवा दिए। परेशान मत हो, हम कल सुबह तुम्हारा सामान ठीक से रखवा देंगे। जी। वैसे अम्मा, गेस्ट रूम में फिर भी बहुत जगह है आपकी दोनों बहुओं के लिए। हमारी तीन बहुएं और तीनों को गेस्ट रूम में ही सोना है। हाँ, लेकिन अम्मा, गेस्ट रूम में तो आपकी सिर्फ दो बड़ी बहुएं ही पहुंची हैं। काहे, छोटकी बहू कहाँ? नहीं अम्मा, वो नहीं है वहाँ, और हमको लगता है जाएगी भी नहीं। बड़ी घाग है वो, ऐसी पट्टी पढ़ाई है समर को कि उसी का पक्ष लेने लगा है। ठीक कह रही थी तीजा अम्मा, एक भाई घर छोड़ के ही चला गया और ये दूसरा भाई घर में रहते हुए भी पराया। क्या करें माँ, यहाँ सोना जागना भी मोहाल है। गेस्ट रूम में आ गए हैं, क्या करें अब? अरे झरझर बाली, तनिक अरे वाह, देसी मुर्गी बिलायती चाल। इस कमरे में तो अपने कमरे से भी ज्यादा मौज है। नहीं सासू माँ, यहाँ तो देखिए ना, जगह भी नहीं है। छुटकी वो कहाँ सोएगी? और वो है कहाँ? वो आई थी तब ना सासू माँ, उनको समर बब्बू ने रोक लिया होगा, वो नहीं आने वाली है। तो हम सोच रहे थे एक बिनती कर लें कि हम दोनों बहुओं को भी सजा माफ कर दी जाए। उका है ना, वो तो आने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको ये ठीक लग रहा है कि हम दोनों इस सजा भुगते हैं, तो ठीक है सासू माँ, जैसा आप सही समझें। लेकिन बुरा ना माने तो एक बात कहें सासू माँ, पहली बार इस घर में आपकी बात जमीन पर गिरते देख रहे हैं। हमारी बात न कभी जमीन पर गिरी है और न हम गिरने देंगे। आज तक कोनो बहू ने हमारी बात को अनदेखा करके अपने पति की बात नहीं सुनी, और आगे भी यही होगा। किसी ने खिलाफ जाने की जरूरत की ना, तो निकाल बाहर करेंगे। छोटकी बहू,